सरकार द्वारा निकाली गई पुलिस पटवारी ग्राम सचिव व अन्य भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर व घर में सरकारी नौकरी न होने के शपथ पत्र को तहसीलदार से तस्दीक करवाने में युवाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार युवाओं को नौकरी देने के मामले में पूरी पारदर्शिता का ढोल पीट रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की ओर से एक नया फरमान जारी कर सरकारी नौकरियों के नाम पर हरियाणा सरकार युवाओं के साथ भत्ता मजाक कर रही है। युवाओं ने बताया कि सरकार ने जो भी नौकरियों के फॉर्म भर्तियां निकाली हैं, उनमें हर बार नए नए कानून लगाकर अनाप शनाप शर्तें थोप रही हैं, जिससे युवाओं को नौकरी पाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने जो पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सचिव व अन्य भर्तियां निकाली हैं, उनमें युवाओं को कहा गया है कि इन भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर और घर में सरकारी नौकरी न होने पर 5 और 10 अतिरिक्त नंबर लेने के लिए तहसीलदार से तस्दीक शुदा शपथ पत्र लेकर आएं और ऑनलाइन करवाएं। युवाओं ने बताया कि तहसीलदार से तस्दीक शुदा अलग अलग शपथ पत्र अलग अलग भर्ती के लिए होना चाहिए। युवाओं ने कहा कि तहसीलदार से शपथ पत्र को तस्दीक करवाने के लिए हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता है, जिससे समय की बर्बादी के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। युवाओं ने कहा कि एक फॉर्म भरने के लिए उनके 1,000 से 1,500 रुपये तक का खर्चा करना पड़ रहा है। युवाओं ने सरकार से अपील की कि ऐसी शर्तें लगाकर हमें नौकरी से दूर न रखा जाए और युवाओं ने कहा कि पहले ऑनलाइन फॉर्म ही नहीं मिलता, यदि फॉर्म मिल जाता है तो तहसीलदार कार्यालय में कोई नहीं मिलता, ऐसे में युवा करे तो क्या करे। सर बेरोजगारी बहुत हो रही है जी, हर लाइन में घंटा डेढ़ घंटा हो गए लग रहे हैं जी, कोई मसला नहीं बन रहा। मतलब कि जी लाइन में आगे जाके काम करवाते हैं, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर मिलता है जो भी साइन करते हैं जी, 38 रुपये की टिकट लग गए जी, सीधी साहब है जी, 300, 300, 100, 150, 250 रुपये लेने लग रहे हैं जी, इसलिए जी बेरोजगारी बहुत हो रही है जी। आगे डी ग्रुप में मांग रखे जी, एक एफिडेविट जी 5-5 फार्म के लिए मांग रखे जी अलग अलग, इसलिए जी कोई गरीब बंदा हो यार 2,000 रुपये कम तक कम खर्चा आ जाए, एक पेपर वाइज 160 आ रहे हैं जी, मतलब नौकरी मांगने लग रहे हैं जी, बेरोजगारी हो रही है जी, ला दो जी बात कहाँ जी। हाँ खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए जी, पहले वाला सही था जी, बस ऑनलाइन सिस्टम है जी सारा कुछ। अब फार्म के लिए इतनी लंबी तो लाइन लग रही है और 100-100 रुपये फार्म पर फार्म लिया जा रहा है नोटरी के द्वारा, और 30 रुपये का फार्म है ये, और इतनी लंबी लाइन में अब एक वीक उसका रह गया फार्म भरने का। अब ये अगर तहसीलदार ना आए या टाइम पे फार्म ना भरा गया तो इसका फ़ायदा क्या है? नहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, अभी बच्चे काफ़ी एक साथ इकट्ठे होके आ गए हैं तो हमने 7 लड़के ने करवा दिए हैं, तो ऐसी बात नहीं, आज ही ज़्यादा आए तो कर देंगे ऐसे। ये मेरे सामने अभी आपने बताया, मैं अभी खुद चेक करूँगा, कोई ज़्यादा फीस नहीं वो लेने दी जाएगी, सिर्फ 11 रुपये का एफिडेविट है वो है, बाकी टाइपिस्ट करो उनको सभी बुला के मैं बोल दूँगा। कोई नंबरदार हो, सरपंच हो, पंचायत मेम्बर हो, वकील हो, कोई भी हो, किसी की भी ये आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं।